गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर राइजिंग ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 11th बाइनोमियल थ्योरम का रिमेनिंग पार्ट पे डिस्कस करूंगा। मैंने इसके पहले भी दो वीडियोस बाइनोमियल थ्योरम पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिनमें पहले वीडियोज में एक्सपेंशन जितने भी एल्जेब्रिक टर्म्स बाइनोमियल टर्म्स का एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था, उसी में मैंने नंबर्स का, जैसे कोई भी नंबर अगर 96, 102, 99, इसके पावर 4, 5, 6 वगैरह होते थे, उनका एक्सपेंशन के बारे में आपको बताया था। सेकंड वीडियोस में मैं आपको बड़े बड़े जो किसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेंशन होते हैं, ट्राइनोमियल का टर्म्स होता है, उनका एक्सपेंशन क्यों कैसे किया जाए, इसका डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने कोफिशियंट के बारे में, जनरल टर्म के बारे में, इन चीजों के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगा, जो कि प्रोबेबली अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई पर्टिकुलर टर्म, कोई सिंगल टर्म अगर हमें निकालना हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं और 5th पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये मैंने आपको बता दिया था, जिनमें कोफिशियंट निकालना और कोई भी जनरल टर्म निकालना, मैंने आपको कहा था कि जनरल टर्म 100 मर्जों की एक दवा है। तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म, लाइक मैंने एक एग्जांपल बताया एक्स माइनस वाई का पावर एन अगर रहेगा सॉरी, तो उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वन का पावर आर NCR, और पहला टर्म अगर x है तो x टू दी पावर n माइनस r इंटू दूसरा टर्म अगर y है तो y टू दी पावर r। और मैंने आपको कहा था कि जैसे हम लोग बचपन में कोई तबीयत खराब होती थी, कोई कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाता था, तो क्रोसिन, पैरासिटामोल, ये 100 मर्जों की दवा थी। तो उसी तरह बाइनोमियल थ्योरम में हम जितना भी काम करते हैं, चाहे वो कोफिशियंट निकालना का या जनरल टर्म का या पर्टिकुलर टर्म का या एन टर्म का या मिडिल टर्म का या इंडिपेंडेंट टर्म का, इन सब के लिए हम जनरल टर्म, जनरल फॉर्मूला, जो जनरल टर्म निकालने का जो तरीका है वो हमारे उसका दवा है, उसको हम पकड़ के चलते हैं। वो चीज अगर हम जानते हैं तो ये सारी चीजें उससे निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वंस एक और बार हम बात करते हैं कि जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म अगर हमारा बीच में बाइनोमियल एक्सपेंशन का, सपोज एक्स माइनस वाई का पावर एन है, तो ये माइनस वन का पावर आर इंटू एन सी आर और एक्स टू दी पावर पहला टर्म का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू दूसरा टर्म का पावर यहां जो रहता है, ये हमारा जनरल टर्म था। और अगर यहां पे प्लस रहेगा तब तो ये आपको लिखने का नीड नहीं है, ये टर्म आपको लिखने का नीड नहीं है, क्योंकि अगर प्लस रहेगा तो सब कुछ रिजल्ट प्लस में होगा। और अगर बीच में माइनस होगा तो मैंने कहा था कि एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो डायरेक्टली ए हमारा ये पहला टर्म ही रहेगा, सपोज ये 2x है और ये 3y है, तो ए हमारा यानी पहला टर्म 2x ही होगा, दूसरा टर्म 3y ही होगा, दूसरा टर्म हम माइनस 3y कंसीडर नहीं करेंगे, 3y करेंगे, राइट। और हर इवन टर्म के आगे माइनस लग जाएगा, हर इवन टर्म, यानी कि, और मैंने कहा था कितने टर्म बनेंगे, तो जितने भी पावर होते हैं उनसे एक टर्म ज्यादा होता है। अगर पावर 2 होता है तो 3 टर्म बनेंगे, पावर 5 होता है तो 6 टर्म बनेंगे। तो इस तरह से जो भी 6 टर्म बने तो सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म इज द इवन टर्म। तो अगर बीच में यहां पे माइनस है
तो ये हर इवन टर्म के आगे में माइनस लग जाएगा, और पहला टर्म को हम 2x ही कंसीडर करेंगे और सेकेंड टर्म को 3y ही कंसीडर करेंगे। तो एनीवे स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक एक्सपेंशन है x माइनस 2y का पावर 12। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता और एक्सपेंड करके मैं उसको फोर्थ टर्म लेता, तो सबसे पहली बात है कि चलो सबसे पहले अगर मैं एक्सपेंशन के बारे में बात करता हूं तो 13 टर्म्स बनते। अब आप सोचो कि 13 टर्म्स को लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई ही नहीं है, वाई की जगह में 2y है, तो कितना डिफिकल्ट होगा, कितना टाइम टेकन होगा। चलो आप अगर इनमें से आप में से कहोगे कि सर हम 13 टर्म तक क्यों करें, हमें फोर्थ टर्म बोला है तो बस हम फोर्थ टर्म तक ही कर लेंगे और जो फोर्थ टर्म होगा वो रिजल्ट होगा, वो भी आपको करने का नीड नहीं है। हम लोग वी कैन डायरेक्टली फाइंड द फोर्थ टर्म बाय द हेल्प ऑफ जनरल टर्म, राइट। सो आपको मालूम है कि जो जनरल टर्म होता है ये हमारा टी आर प्लस वन, इसका जनरल टर्म ये हुआ, और ये एक्चुअल में क्या है, टी आर प्लस वनिथ टर्म, टी आर प्लस वनिथ टर्म। तो जब आर प्लस वनिथ कहते हैं तो यहां आर होता है एन सी आर, यानी कि इससे एक कम। तो अगर ये फिफ्थ टर्म होगा कोई भी एक्सपेंशन का, अगर फिफ्थ टर्म होगा तो इसका मतलब ये हो गया एन जो कुछ भी है ये एन है उतना सी फोर, राइट स्टूडेंट्स। तो हम यहां पे देखते हैं कि फोर्थ टर्म, टी फोर्थ टर्म हमें निकालना है, टी फोर, टी फोर का मतलब हो गया टी थ्री प्लस वन, तो आर हमारा थ्री हो गया। अब एन सी आर इसे जनरल टर्म यहां पे आप इसको ले लो, तो फोर्थ टर्म जो भी आपको कोई भी पर्टिकुलर टर्म अगर निकालना है तो हम पहले जनरल टर्म समझेंगे क्या होता है, जनरल टर्म हमने देख लिया, उसके बाद ये आपका एन है, आपको निकालना है फोर्थ टर्म। तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ टर्म को टी फोर कहेंगे और ये थ्री प्लस वन होगा, इसको कह सकते हैं, यानी आर हमारा थ्री है। तो अब माइनस वन का पावर आर, और चूंकि यहां पे माइनस है और हमें इवन टर्म निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये माइनस होगा। अगर ये बीच में प्लस होता तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर ये हमारा माइनस है लेकिन हमें ऑड टर्म निकालना होता, यानी टी फाइव निकालना होता, तो ये माइनस नहीं होता, ये प्लस होता। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर यहां पे प्लस होता तो कोई सा भी टर्म निकालने के लिए कहता, यहां पे प्लस होता, क्योंकि मैंने प्लस के केस में कह दिया है उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, हर जगह प्लस होगा। लेकिन अगर यहां बीच में माइनस का टर्म है और आपको इवन टर्म निकालना है, फोर्थ इज द इवन टर्म, तो फाइनली रिजल्ट के पहले आपको माइनस लगेगा। और अगर मान लो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए कहता, बेशक यहां पे माइनस था तो फाइव हमारा ऑड टर्म होता है तो यहां पे माइनस नहीं होता। इन बातों को आपको बारीकियों से समझना है। अब हमने माइनस कर दिया, ये चीजों का रिजल्ट हमने ले लिया एन सी आर, तो 12c, और मैंने कहा था जो भी टर्म निकालने के लिएगा अगर टी फोर है यानी आर हमारा कितना हो गया, थ्री हो गया, उससे एक कम है ना, क्योंकि ये टी आर प्लस वन है तो यहां पे आर होता है। उसी तरह 12c और ये आर हमारा कहा क्या है इस प्लेस पे, तो थ्री है। फिर एन सी आर, तो 12c3 हमने लिख लिया 12c3। फिर पहला वाला टर्म एक्स का पावर 9, 12 माइनस 3, इंटू दूसरा वाला टर्म 2y का पावर r, यानी 3। तो स्टूडेंट्स हमको फोर्थ टर्म निकालना है। अब ये कंप्लीट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये 12c3 तो पास्कल ट्रायंगल से हमने निकाला नहीं है, हमने 8 तक निकाला है। अब इतना तो हमें भी उतना याद नहीं है कि 12 का जो पास्कल ट्रायंगल, 8 तक का तो हमें पता है,
कि 8C0 से लेकर 8C8 तक का वैल्यू क्या है, बिल्कुल 1 से लेकर 8 तक का, इतना तो कैलकुलेशन समय माइंड में बैठा हुआ है। अब 12C3 आपको यहां पे आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो 12 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 12-3 9 का फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बताया है सब कुछ कैसे करते हैं। ऊपर वाला का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाला का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर 9 इंटू 2 का पावर 3 दैट इज 8 इंटू वाई क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इसको करेंगे माइनस 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 और इंटू 9 फैक्टोरियल और इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू वाई क्यू, राइट। सो ये चीजें आपका कट गया, ये 3 4 जा और फिर ये 2 जा हो गया। और अब आप इसको 11 इंटू 2 या 11 इंटू 8 88 इंटू 2 हो गया आपका 176 पे एक जीरो आगे माइनस और एक्स टू द पावर 9 और वाई क्यूब, ये आ गया आपका फोर्थ टर्म। तो कोई भी एक्सपेंशन होगा, कोई भी प्लस हो माइनस हो पावर कुछ भी हो, कोई एक सिंगल टर्म पर्टिकुलर टर्म अगर हमको निकालने के लिए कहता है तो ये हमारा फ्रॉम बिगिनिंग फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि NC0, NC1, NC2, NC3 वाली बात है, यानी 12C3, देखा आपने NC3 यानी 12C3। तो फ्रॉम बिगिनिंग हमें समटाइम्स फ्रॉम एंड भी निकालने के लिए कहता है, उसके लिए भी मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो पहले हमें जानना है कि फ्रॉम बिगिनिंग कोई पर्टिकुलर टर्म जब हमें निकालना है तो हम उसको बड़े इजिली इसके हेल्प से जनरल टर्म के हेल्प से इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक और सवाल पे आते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं फिर आपको फ्रॉम एंड से बताऊंगा जो कि इसमें नहीं है बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो राइट, अब हम लोग आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन पे। ये मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूं एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 11th पेज नंबर 171। क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द 13th टर्म निकालना है ऑफ द एक्सपेंशन 9x माइनस 1 बाय 3 रूट एक्स टू द पावर 18, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 19 टर्म्स बनेगा। हमें एक्सपेंड नहीं करना, हमें डायरेक्टली 13th टर्म निकालना है। 13th टर्म इसका मतलब स्टूडेंट आर हमारा 12 हो गया, राइट। तो अब इस केस में हम T13 13th टर्म है यानी ऑड टर्म है तो माइनस होते हुए भी माइनस नहीं होगा रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट के आगे माइनस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑड टर्म है। अगर 12th रहता 14th रहता तो हम आगे माइनस लगाते। तो इसका इंपैक्ट हमने देख लिया क्या हुआ। अब होता है TR+1 यानी R हमारा 12 हो गया तो NCR तो 18C12 और पहला वाला टर्म 9x का पावर ये हो जाएगा 6 इंटू 1 बाय 3 रूट एक्स का पावर 12 तो स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतने जो लैक्स वगैरह में आपको कैलकुलेट करने के लिए आपका जो लेवल है उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अगर मैं यहां पे 18 का फैक्टोरियल अपॉन 12 का फैक्टोरियल इंटू
सिक्स का फैक्टोरियल करके देखता हूं, अगर ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप इसको छोड़ सकते हो, आप 18 सी 12 में भी आंसर दे सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है काफी कुछ कट गया, मैं कहता हूं इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे बाय द वे 18 का फैक्टोरियल अपॉन 12 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल। और एक चीज है, जब आप इसको कट करते हो, कैंसिल करते हो, तो डिनोमिनेटर के सब कटते ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोफिशियंट आपका रेशनल नंबर में आए, अपॉन में आए, कभी नहीं, जो भी बचेगा न्यूमरेटर में बचेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 6 और इंटू जो 1/3 का पावर 12 है, 3 का पावर 12, इसका मतलब हुआ 3 का पावर 12 इंटू √x का पावर 12। चलो हमने एक बार आपको ऐसे कह दिया, 1 का पावर एनीथिंग इज 1। तो अब ये स्टूडेंट आप इसको क्या करोगे कि 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13 × 12 का फैक्टोरियल। सोचो, इसीलिए हमें ये नीड नहीं था, आप सिर्फ यहां पे इस केस में ऐसे छोड़ सकते हो, और अपॉन ये आपका 12 का फैक्टोरियल हो गया और 6 × 5 × 4 × 3 × 2। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए खोल के दिखलाया कि थोड़े बड़े सवाल हैं ये, फिर भी सब कुछ कटेंगे ही, इसी पर्पस से आपको जस्ट ओपन करके दिखला रहा हूं। अदरवाइज आपको मैं बता चुका कि ये कैलकुलेशंस बड़े होने हैं, तो इतने बड़े कैलकुलेशंस में पागलों की तरह करने में नहीं लग जाना है कि टाइम हमारा स्पेंड हो। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और ये सब चीज अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि जो 4 सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन में कितना टाइम कंज्यूम होना चाहिए, लगाना चाहिए, और कितने स्पीडअप पे और कितने बेहतर तरीके से आपको काम करना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर उठा सको। 100 मार्क्स भी उठाना बहुत बड़ा नहीं बात नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आपकी पकड़ सही बन गई तो बिल्कुल स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, और आप पूरे के पूरे मार्क्स भी उठा सकते हो, पूरे मार्क्स उठा सकते हो। अगर चुक बचुक हो भी गया, कुछ गलती हो भी गई, थोड़े इधर उधर क्वेश्चन छूटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इतने सफिशियंट मतलब कि टाइम होते हैं कि क्वेश्चन कैसे भी डिजाइंड हो। मैंने हर स्कूल के क्वेश्चंस, मतलब मैं काफी कुछ क्वेश्चन देखता हूं, हर स्कूल के क्वेश्चंस को देखने का मुझे मौका मिलता है, तो एकदम से लाजमी आधे घंटे पहले, 3 घंटे में आधे घंटे पहले क्वेश्चंस एकदम बड़े मजे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपको पढ़ने का 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, रिवाइज करने के लिए आपको कंप्लीट आधे घंटे जो टाइम होते हैं वो बिल्कुल सफिशियंट है। इसलिए ये कहना गलत है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला इसलिए क्वेश्चन, बस वो लास्ट क्वेश्चन कर ही रहे थे, टीचर ने कॉपी ले लिया। टीचर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आपका प्रैक्टिस उस स्पीड पे नहीं रहा, आपने अपने घर में प्रैक्टिस तरीके से नहीं किया, सो गलती आपकी जाती है। तो आपको उसको हर क्वेश्चन आपके बुक में जो मैक्सिमम टफ माने जाते हैं वो ट्रिगो, सीक्वेंस एंड सीरीज और स्ट्रेट लाइंस, और कोई टफ ज्यादा माने ही नहीं जाते। मैंने आपको ट्रिगो का वीडियोस नहीं बनाया है, थोड़ा सा स्टार्टिंग किया है, टेस्ट किया है, 10th क्लास के बहुत सारे ट्रिगो के वीडियोस बनाए, आपके लिए भी बनाऊंगा, स्टार्ट कर दिया था, राइट। बट उसके और भी ढेर सारे प्रूफ दैट और ये वो सब कुछ मैं आपको बना के दूंगा। सीक्वेंस सीरीज के 4-5 वीडियो बना चुका हूं और मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी वीडियोस रह गए हैं, सो वो मैं जल्दी प्रोवाइड करूंगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज वाला भी मैंने कंप्लीट एपी बताया, जीपी बताया, सब कुछ बताया, आप उसको पढ़ो। 4-5 वीडियोस में सीक्वेंस सीरीज पे डाल चुका हूं, ट्रिगो पे डालने वाला हूं और स्ट्रेट लाइन पे भी डालने वाला हूं, राइट।
तो कोई भी चीज अगर आप तरीके से समझोगे तो टाइम बिल्कुल एनफ होता है। एनीवे स्टूडेंट्स हम कम यहां पे, तो यहां पे हमें देखने की बात है और स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये अब 1/3 इसको 3 का पावर 12 को हम 3 का स्क्वायर यानी 9 का पावर 6 भी कह सकते हैं। 9 का पावर 6 भी हो सकता है क्योंकि या तो ये देखो 3 का पावर 12 को अपने 3 का पावर 6 2 जे 12 एक्स का पावर एन जो है एक्स का पावर एम एन होता है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 का पावर 12 को आप 3 का पावर 2 का पावर 6 भी कह सकते हो। ये 3 का पावर 12 हो गया और ये एक्चुअल में 9 का पावर 6 बन गया जो इसके साथ कट गया, इसके साथ ये टर्म अभी मैं जुड़ गया था अभी लिखता हूं। उसी तरह से रूट एक्स का स्क्वायर का पावर 12 आपका है रूट का पावर 6 ये चीज, तो रूट एक्स का पावर 2 हो गया एक्स, और यहां पे न्यूमरेटर में 9 का पावर x इंटू एक्स का पावर 6 था। तो ये टर्म कट गए, ये टर्म कट गए यहां पे इस तरह से, ये और ये टर्म कट गए। और यहां पे आपको जिस पर्पस के लिए मैंने आपको दिखलाया था कि ये देखो सब कुछ कटेंगे, 6 3 जा 6 3 जा और ये 3 3 कट गए, ठीक है। फिर 4 4 जा 4 4 जा 5 3 जा 5 3 जा 2 2 जा अब 17 × 2 × 3 × 14 × 13 जितना भी हुआ ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने अभी एक चीज सीखा, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना। अब हम यही टर्म फ्रॉम एंड, क्योंकि ये जो निकलता है वो फ्रॉम बिगिनिंग हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आप अगर एक सीढ़ी चढ़ रहे हो लास्ट से अगर आपका कोई भी, अगर इसी में आपको कोई भी लास्ट के 4th टर्म लास्ट के 6th टर्म तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये मैं मिटा रहा हूं, इसका कैलकुलेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं एनी पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड। अब जो हमारे कंसेप्ट है वो है एनी पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट वर्ड यूज रहेगा या एंड वर्ड यूज रहेगा, तो उसका फॉर्मूला है एन माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग यानी कि स्टूडेंट एन होगा वो पावर, आर होगा वो कंडीशन फ्रॉम लास्ट 4th टर्म, तो 4 इज द आर और प्लस 2th टर्म। जब आप एक नंबर लाइन बनाओगे और जब उसको आप काउंट करोगे तो ऐसा ही आएगा लास्ट 4th टर्म, क्योंकि इनमें पहला वाला और आखिरी वाला भी इंक्लूड है, इसीलिए हमें प्लस 2 देना हुआ, ठीक है। तो आप नंबर लाइन बनाकर कोई भी एक एग्जांपल देख लो, यही चीज आएगा, या डायरेक्टली मेमोराइज कर लो, माइंड में बिठा लो कि n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज द लास्ट टर्म ऑफ दैट। हम लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाँ एक सवाल है आरएस अग्रवाल से कि x³/2 − 2/x² का पावर 9 फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड, राइट। सो देखो हमारे है एग्जाम्पल सेवन फ्रॉम आर एस अग्रवाल, x³ यानी कि x³/2 − 2/x² पावर नाइन फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड।
तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखो, सपोज करो ये आपका नाइन है, यानी कि टेंथ टर्म हो गया, तो टेंथ टर्म हो गया, ये जीरो वन या एनसी वन, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है ना, यानी कि ये टेंथ टर्म हो गया। तो टेंथ टर्म फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो एक दो तीन चार पांच, ये वाली टर्म के बारे में बात कर रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव। अगर मैं इसको फॉर्मूला पे डालूं तो n माइनस r, दैट इज, देखो ये नंबर लाइन ये सब बनाकर आपको दिखाना नहीं है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। तो दैट इज, तो हम लिखेंगे कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू नाइन माइनस फाइव प्लस टू विथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग दैट इज नाइन माइनस फाइव फोर प्लस टू सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म आ गया ना, तो सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी टी सिक्स निकालना है आपको। तो भाई आपको टी सिक्स निकालना है, और यानी कि यहां पे माइनस है और आपको इवन टर्म निकालना है, तो आगे आगे आपका माइनस लगेगा। ये चीज हमने देख चुका कि यहां पे माइनस है एक्सपेंशन में और आपको इवन टर्म निकालना है, इसीलिए माइनस लगेगा। और फिर उसके बाद हो गया आपका एनसीआर 9c5, क्योंकि आर आपका क्या हो गया, फाइव हो गया, आर आपका इसमें से जो टी सिक्स है तो फाइव प्लस वन है, यहां लिखो सिक्स टर्म फ्रॉम बिगनिंग राइट। तो 9c5, उसके बाद पहला वाला टर्म यानी एक्स क्यूब अपॉन टू का पावर 9 माइनस फाइव यानी 4 और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग दूसरा वाला टर्म को माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं लेते हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 5। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको यहां पे, इसको नीचे नहीं आ पाएगा तो ऊपर सॉल्व करते हैं। अब ये आपका क्या बन गया t6 कि माइनस 9c5, तो 9c5 को ब्रेक करो, 9 का फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, और एक्स क्यूब अपॉन 4, तो ये पावर दोनों पे है, एक्स का पावर 12 अपॉन 2 का पावर 4 तो 16 हो गया, इंटू 2 का पावर 5 तो 32 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर, एक्स का पावर 10 हो गया। राइट स्टूडेंट्स, अब ये 9876 इंटू आप 5 फैक्टर लिखो या फिर मत लिखो, इसको भी नहीं लिखोगे, इसको भी नहीं लिखोगे, और अगर लिखते हो तो लिख लो, और ये 4 3 4 3 2, 1 लिखने का नीड नहीं है। और अब ये हमारा x का पावर 2 बच गया, क्योंकि ये x का पावर 12 और 10 नीचे है, और इंटू 2 बच गया क्योंकि ये 16 टू हो गया। राइट, ये टर्म कट गया आपका, ये 4 और 2 मिलकर ये 8 हो गया, ये 3 टूजा हो गया, तो 97 जो 63 और इंटू 2 तो 126 माइनस और इंटू 2 तो 252 और एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोई भी टर्म फ्रॉम एंड हो गया। अगर आप इसको देख लो, माइनस 252 एक्स स्क्वायर, माइनस 252 एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही हमारा कोई भी टर्म फ्रॉम एंड निकाला जाता है। तो फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड ये चीजें हमने देख लिया। अब स्टूडेंट्स
हम आएंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये पे मिडिल टर्म, जो काफी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने का मिडिल टर्म। फिर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म। मिडिल टर्म देखो स्टूडेंट्स, जो भी हमारा मिडिल टर्म होता है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि पावर कुछ भी होगा एक सिंगल टर्म मिडिल टर्म होगा, बिल्कुल नहीं। हर केस में ऐसा नहीं होगा। हमने पास्कल ट्रायंगल में देखा कि अगर पावर 2 होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इट हैज 3 टर्म, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और पावर 3 होता है तो इट हैज 4 टर्म। और मिडिल टर्म का मतलब होता है हाईएस्ट कोफिशियंट, हाईएस्ट कोफिशियंट। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, 2ab का कोफिशियंट 2 है, और बी स्क्वायर का 1 है। उसको हम लोग यही चीज, उसको लिखने का ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के ऑर्डर में नहीं लिखते हैं। ये जो बाइनोमियल थ्योरम को डिजाइन करते हैं पूरे एक्सपेंशन को, उसको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, तो बार बार उस पॉइंट पे हम नहीं आना चाहेंगे। तो उसको लिखने का वो पैटर्न है, वो प्रॉपर फॉर्मेट है। तो इसका जो मिडिल टर्म है, अगर पावर 2 है तो बीच वाला टर्म, जो तीसरा टर्म है, एक इधर से भी छोड़े एक इधर से भी छोड़े, और बीच वाला टर्म वही हमारा हाईएस्ट कोफिशियंट है। तो देयर इज वन मिडिल टर्म। इफ इन केस ऑफ एन इज इवन, इफ पावर इज इवन, देन इट हैज वन मिडिल टर्म। बट इफ पावर इज ऑड, सपोज क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, पावर इज ऑड, एन इज ऑड, देन इट हैज 2 मिडिल टर्म, द हाइएस्ट कोफिशियंट। एंड द कोफिशियंट ऑफ पावर 3 इज 1331, एज वी नो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, या फिर पास्कल ट्रायंगल, जो कुछ भी तुम बोलो कि अगर पावर ऑड है तो इट हैज 2 मिडिल टर्म, इफ पावर इज इवन देन इट हैज 1 मिडिल टर्म। अब तुम कोई सा भी एग्जांपल देख लो, पावर 5 सोच लो, 6 सोच लो, 7, 8, 9, 10, एनीथिंग। इफ पावर इज इवन मींस एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, सपोज दिस इज आवर एक्सपेंशन। इफ पावर इज इवन देन इट हैज 1 मिडिल टर्म, इट हैज 1 मिडिल टर्म। सपोज पावर इज 4, पावर इज 5, पावर इज 6, पावर इज 8, इन केस ऑफ इट हैज 1 मिडिल टर्म, राइट। एंड इफ हा 1 मिडिल टर्म, दैट इज एन बाय 2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, इज द मिडिल टर्म, राइट। एंड इफ पावर इज इवन, पावर इज ऑड, सो इफ पावर इज 2, देन 2 बाय 2, 1 प्लस 1, सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म। इफ पावर इज 4, देन 4 बाय 2 मीन्स 2 प्लस 1, थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। सो इफ पावर इज 4, तो पावर 4 में हमारा 5 टर्म हुआ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म।
सो इधर से भी दो छोड़ दिए, इधर से भी दो छोड़ दिए. इफ पावर इज इवन तो देन द इट हैज वन मिडिल टर्म दैट इज एन बाय टू प्लस वन इज टर्म प्लस वन इज टर्म. एंड इफ पावर इज ऑड इट हैज टू मिडिल टर्म, इट हैज टू मिडिल टर्म. That is n plus, that is n plus 1 by 2, n plus, suppose power is 3, power is 3 means 3 plus 1, 4 by 2, the second term and third term, n plus 1 by 12th, and n plus 1 by 2 प्लस वन एथ. मीन्स अगर पावर थ्री है तो थ्री प्लस वन फोर बाय टू, तो सेकेंड टर्म एंड सेकेंड प्लस वन थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म, राइट. सो ये चीजें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है. अब हम इस पर कुछ दो एग्जांपल लेते हैं, एक इवन पावर का और एक ऑड पावर का, और ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में है. तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6. 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 और पावर 7, पावर 7, राइट. 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 पावर 7. सो हियर एन इज ऑड, हियर एन इज ऑड, देयरफॉर इट हैज वन मिडिल टर्म. हियर एन इज ऑड सो इट हैज टू मिडिल टर्म. ऑड के केस में टू मिडिल टर्म, it has two middle term, that is 7 plus 1 by 12th term and 7 plus 1 by 2 plus 1th term, yani ki 8 by 2 4th term, 4th and 5th term, 5th term has the highest coefficient, 4th and 5th term has the हाइएस्ट कोफिशियंट, राइट स्टूडेंट. अगर पावर 7 है तो एक टर्म होगा. अब आप समझो कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां. मैंने एन से जीरो से नहीं स्टार्ट किया, एक ही बात है. अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो 7 तक जाओगे, 1 से तुम आठवां टर्म. अब हमारा मिडिल टर्म, तो मैंने आपको बताया फोर्थ टर्म, तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ये तीन इधर से भी छोड़ दिए, तीन इधर से भी छोड़ दिए, तो देन फोर्थ और फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म. हम चार नहीं छोड़ सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना है. इफ पावर इज इवन देन एन बाय टू, जो भी पावर है उतना बाय टू प्लस वन इज टर्म, और इफ पावर इज ऑड देन इट हैज टू मिडिल टर्म दैट इज एन प्लस वन बाय टू एथ, एंड फिर उसका अगला वाला. तो यही चीजें हैं. अब इसके बाद अब इस एक्सपेंशन का हम लोग फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालते हैं, ठीक है. मैं इसको डिलीट कर मिटा रहा हूं, और इसके बाद इस एक्सपेंशन का फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालेंगे. एनीवे फिर से लिख लेता हूं, फोर्थ और फिफ्थ टर्म. थ्री माइनस एक्स क्यूब बाय 6 पावर 7, तो फोर्थ टर्म ये हमारा t4 हो गया, और कंप्लीट टर्म निकालना है फोर्थ टर्म, तो t4, तो t4 मींस r इज 3, तो nc3 और फोर्थ टर्म, तो आगे माइनस, क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस है, तो इसीलिए
फाइनल रिजल्ट के आगे माइनस, क्योंकि ये इवन है। तो एन सी थ्री इंटू पहला वाला टर्म का पावर एन माइनस आर, तो ये हो गया फोर, इंटू दूसरा वाला टर्म एक्स क्यू अपॉन सिक्स का पावर थ्री, ये हो गया। अब ये सेवन सी थ्री, अब बताओ सेवन का फैक्टोरियल अपॉन थ्री का फैक्टोरियल इंटू फोर का फैक्टोरियल, और ये 81 इंटू एक्स टू दी पावर 9 बाई 216। अगर किसी स्टूडेंट को आपको उतना लर्न नहीं करना है तो 765 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। तो इंटू 81 इंटू एक्स टू दी पावर 9 अपॉन 216, ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 2 से इतना हो गया, तो 35 और यहां पे 3 से आपका कट गया, तो 3 से कट गया तो ये हो गया 27, और ये फिर 3 से 7 और 2, और फिर 3 से काटो 9 और ये 8, ये हो गया 24, फिर 3 से काटो 3 3 जा 9 3 8 जा, अब आपको हो गया -21/8। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था नीचे कुछ नहीं आता है, वो तो इसका पार्ट है ना, हमने कहा है फैक्टोरियल को खोलते वक्त कभी भी नीचे में कुछ नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, बट अब कुछ मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो तो आएगा ही, उसमें कोई सूझ नहीं है। तो 21/8 और इंटू एक्स टू दी पावर 9, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। Simultaneously we can find fifth term. Fifth term आपका हो जाएगा फिर से -7 fifth term, मतलब कि अब माइनस नहीं होगा क्योंकि ये odd term है, तो 7c5, ठीक है। तो 7c5 into 3 का power 5 into x का power x cube upon 6 का power 5 का पावर 4, 7c5 है तो यहां पे 4 लिखेंगे, 7c4, ठीक है। फिर 7 - 4 तो 3, तो 3 हमने किया, यहां पे 3 हमारा पहला टर्म था, तो 7cr क्या है 4 इंटू पहला टर्म का पावर दिस माइनस दिस 7 - 4 3 इंटू दूसरा का पावर यही चीज पावर 4, तो 7c4 भी 35 ही होता है, और 35 इंटू 81 और इंटू एक्स टू दी पावर 12 और इंटू 6 इंटू 6 इंटू आप ऐसे 6 बार यानी 206 इंटू 6 1296। तो उसको लिखने के बजाय आप देख लो कि अगर 6 इंटू 6 अगर कुछ कटता है तो पहले यहां पे काट लो 3 2 जा और 3 से 27, फिर 3 2 जा फिर 9, राइट, फिर 3 2 जा और फिर 3 3 जा, अब और नहीं कटेगा। तो ये आपका हो गया 35 into 3 105 और बाय 2 into 2 into 2 8 into 6 48 एक्स टू दी पावर 12। इस तरह से कोई भी एक चीज, एक एक्सपेंशन का अगर जिसका पावर ऑड था उसका हमने दो मिडिल टर्म निकाल लिया। अब हम लोग एक और सवाल देखेंगे, जिसका पावर इवन है, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से हमने आपके साथ हर एक क्वेश्चन 8.2 का डिस्कस कर लिया, 1 से लेकर 8 तक हर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं x upon 3 plus 9y का पावर 10। हियर n इज इवन, so it has one middle term,
हियर एन इज इवन सो इट हैज वन मिडिल टर्म दैट इज एन बाय टू प्लस वन एथ टेन बाय टू प्लस वन एथ टर्म फाइव बाय टू यानी सिक्स टर्म तो सिक्स टर्म कैन बी रिटन एज टी सिक्स हियर आर इज फाइव बिकॉज यू कैन राइट लाइक दिस टी फाइव प्लस वन सो एन सी आर टेन और प्लस है तो कोई इशूज ही नहीं है सब जगह प्लस ही प्लस है एन सी आर टेन सी फाइव इंटू फर्स्ट टर्म एक्स अपॉन थ्री टू दी पावर टेन माइनस फाइव दैट इज फाइव इंटू सेकेंड टर्म नाइन वाई अपॉन फाइव यहां से पावर होता है अब आप टेन सी फाइव को टेन नाइन एट टेन का फैक्टोरियल अपॉन ठीक है आप एक बार और लिख लो इस बात को ताकि टीचर ये ना बोले कि आपने इस लाइन को क्यों नहीं लिखा टेन फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाले का अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फाइव फैक्टोरियल और ये एक्स टू दी पावर फाइव और थ्री टू दी पावर फाइव इज 243 और नाइन का पावर फाइव ठीक है और इसको अब नाइन इंटू नाइन आप ऐसे रहने दो अब इसको थ्री का भी पावर फाइव को आप ऐसे ही लिख लो फिलहाल थ्री इंटू थ्री ये आपको इजी रहेगा काटने में और इंटू वाई का पावर फाइव अब एक ठीक है अब यहां पे हो जाएगा इसको लेके चलेंगे तो टेन इंटू नाइन एट सेवन सिक्स एक फाइव वाला फैक्टोरियल कट गया और एक फाइव वाला फैक्टोरियल जो है फाइव फोर थ्री टू और यहां पे ये दोनों मिलकर ये कट गया ये दोनों मिलकर ये कट गया थ्री थ्री जब ये कट गया तो आपको इजी हुआ काटने में यहां पर ये फाइव टू मिलकर टेन कट गया फोर टू जा हो गया और थ्री थ्री जा हो गया ठीक है तो थ्री इंटू टू हो गया सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स इंटू सेवन तो थर्टी इंटू सेवन टू हंड्रेड टेन और फोर्टी टू टू फिफ्टी टू तो टू फिफ्टी टू ये आपका हो गया इंटू यहां पे आपको x का पावर 5 इंटू वाई का पावर 5 और इंटू 9 81 और इंटू 243 तो अब आपका फाइनल रिजल्ट हो गया 252 इंटू 243 एक्स का पावर 5 y का पावर 5 और ये जो हुआ आप मल्टीप्लीकेशन वो आप खुद कर ले सकते हो 252 इंटू 243 का जो इसका रिजल्ट आ गया था ये 3 इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स इंटू सेवन तो 252 और ये हो गया 9 81 81 इंटू थ्री तो 243 ये दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे और x का पावर 5 y का पावर 5 इस तरह से हमने मिडिल टर्म पावर इवन पावर ऑड का देख लिया अब एक और कंसेप्ट आज डिस्कस करूंगा उसके बाद स्टॉप करूंगा फिर हमारे पास बचेगा वर्ड प्रॉब्लम राइट स्टूडेंट्स तो वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे ये करते हैं उसी समय मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस को भी लेंगे अब देखता हूं कि वो एक वीडियो में या दो वीडियोस में देखो ये तो अभी मैंने आपका एक तरह से सिलेबस कवर करने की बात है इसके अलावे भी मैं आपको एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए रहेंगे जो किसी स्कूल असाइनमेंट में होंगे क्वेश्चन पेपर में होंगे सैंपल पेपर में होंगे वो सब क्वेश्चंस फिर अगर इसी टॉपिक का जो होगा तो वो मैं सर्टेनली डिस्क्राइब करूंगा ऐसा नहीं है कि ये बाइनोमियल थ्योरम पे बट फिर भी पहला हमारा जो प्लान होता है आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना सो आपको हर कंसेप्ट से मैं जानकारी देता हूं वाकिफ कराता हूं बताता हूं एनसीईआरटी वगैरह के एक एक बिट बाय बिट चीजों को मैं आपको बताता हूं ठीक है और वह चीजें एक तरफ उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं हर टॉपिक को जहां तक अभी आपका 11th क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे दो वीडियोस डाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक डाला हूं
और फिर सीक्वेंस सीरीज पे चार पांच डाला हूं, और भी ट्रिगो पे, और मुझे उतना हर एक बदल बदल के डालते रहता हूं, उतना ध्यान से उतर जाता है और किस किस पे ये किया हूं, तो कई सारे चैप्टर मुझे लगता है 5-6 चैप्टर पे तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल ही दिए। अब स्टूडेंट को एकदम कंटिन्यूअसली आपको चाहिए कि आप सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और जो भी मैं ये भी आपको बोला था कि आपके जो सिलेबस का है वो तो आप बेहतर तरीके से फुल ऑफ कंप्लीट वीडियोस को स्टडी करो, पढ़ो बिल्कुल बड़ी इजी तरीके से, आसान तरीके से उसको समझोगे, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त कोई भी बात छोड़ता नहीं हूं, सब कुछ बातों की जानकारी उसके आसपास जिसको पढ़ा रहा हूं उस बातों को तो बताऊंगा ही, उसके आगे पीछे की जो सराउंडिंग बातें होगी कि किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इससे रिलेटेड और बातें वो चीजें भी कवर करता हूं। फिर जिस टाइप का वीडियो रहता है, अभी तो मैं जो अगर आपको एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहा हूं तो तब भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्मार्टली कर सकते हो, कैसे जल्दी कर सकते हो, क्या ट्रिक अप्लाई करना चाहिए, उसके आगे पीछे की बातें। फिर उसी क्वेश्चंस को जब हम और एडवांस लेवल पे बात करेंगे, थोड़े जेई के बेस पे बात करेंगे, कुछ हम कॉम्पिटिशन के बेस पे बात करेंगे, या हम एडिशनल इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे मैं और भी बातें बताता हूं कि यहां पे अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या करते, इस तरह से। तो जितना आपको अपना जो जिस लेवल में जो हो एनसीईआरटी पढ़ना है तो उन चीजों को आप देखो, बहुत कुछ दिखेगा आपको मिलेगा। और अगर एक टॉपिक आप सपोज 12th में हो या आप 11th में हो और आप अच्छे स्टूडेंट में हो, तो आपको एनसीईआरटी में हमने मान लो हमने जो कुछ भी पढ़ाया, सपोज डिफरेंशिएशन पढ़ाया, आपको उसमें बहुत ज्यादा नहीं मिला क्योंकि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप देखो ना 15-20 वीडियोस में डाल चुका हूं, 10-15 मतलब वीडियोस में डाल चुका हूं डिफरेंशिएशन पे, पूरे 12th क्लास को कैप्चर किया हूं, पूरे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ये बीबीए, अब जितना भी डेप्थ में जाना चाहो जाओ, बहुत कुछ दिखेगा मिलेगा। मैंने बोला अभी तो स्टार्टिंग है बच्चे, एक मुकाम पे एक समय पे आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ देखोगे कि आप एकदम एक सिंबल मिलेगा ब्रांड में कि हाँ हम राइजिंग ट्यूटोरियल में फाइंड करते हैं, क्या वहां पे ये चीजें गिवन है, एक समय पे आपको ये सॉल्यूशंस आपके माइंड में आएगा। आपके फ्रेंड, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए, आपको असाइनमेंट क्वेश्चन चाहिए, आप खुद एक्सेप्ट करोगे, और आपको जितने भी मैंने बताया पेरेंट्स टीचर फ्रेंड्स आपको बताएंगे यार राइजिंग ट्यूटोरियल में देख लो ना, वो वाला प्रिपेयर करके चले जाओ, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, आप ऐसे टिप्स पे बोलोगे, राइट स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, और उसके लिए और मुझे क्या चाहिए, मुझे आप लोग जब रिमार्क देते हो, जो कमेंट देते हो, लाइक करोगे, ये सब मुझे अच्छा फील कराता है कि यानी कि आप लोग ये करते हो, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे यूट्यूब पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, तो उससे मुझे भी मोर एंड मोर एनर्जेटिक मोड बनता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा रिक्वायरमेंट है और ये चीजें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनफैक्ट मेरा और नेक्स्ट क्लास भी है अभी। चलो मैं एक और कंसेप्ट जल्दी से बता देता हूं आपको, इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म, तो इंडिपेंडेंट मतलब
बिल्कुल फ्री जो वहां पे उसमें नहीं हो। जैसे कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक हमारा है एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 3 अपॉन 2x स्क्वायर और -1 अपॉन 3x। तो इसके साथ हम लोग आज फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, वर्ड प्रॉब्लम। तो हम एक दिन वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे और उस दिन देखते हैं कहां तक हम लोग और भी मिसलेनियस एग्जांपल्स में कुछ चीजें हैं तो वो चीजें करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे। मेरे ख्याल से एक और वीडियोस में बाइनोमियल थ्योरम को हम उसको फिनिश करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर जब मैं सैंपल पेपर वगैरह में मॉडल पेपर वगैरह में क्वेश्चन आएगा वो हम करेंगे, बट एनसीईआरटी बेसिस पे एक और वीडियोज में वर्ड प्रॉब्लम आपको करके जल्दी ही बताऊंगा और फिर वो चीजें फिनिश करेंगे। तो नाउ देखो इसमें हमें कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, वैसा टर्म बताओ जिनमें एक्स ना हो, जिनमें एक्स ना हो, राइट। तो ऐसा टर्म बताओ, तो अब वो कैसे पॉसिबल है निकालना। अगर पावर 6 है तो 7 टर्म होंगे, तो आइदर मैं 7 टर्म्स को ओपन करूं, उसको कंप्लीट एक्सपेंड करूं, फिर देखूं कहां सब कट कटा के खत्म हो रहा है, कि इनमें सिर्फ नंबर नंबर बच रहे एक्स नहीं बच रहे, इतना तो हमें नहीं करना। ये तो बिल्कुल पूरा कंप्लीट आपका बेकार का टाइम जाएगा। तो यहां भी मैंने आपको बताया था जो जनरल टर्म बहुत मर्जों की दवा, उसको हर जगह यूज कर रहे हैं, जनरल टर्म इटसेल्फ निकालने में किए, कोफिशियंट निकालने में किए, पर्टिकुलर टर्म निकालने में किए, चाहे वो बिगनिंग से हो चाहे वो एंड से हो, मिडिल टर्म निकालने में किए, अब इंडिपेंडेंट में भी करेंगे। तो इंडिपेंडेंट में भी हम इट्स जनरल टर्म को याद करते हैं, बीच में माइनस है इसीलिए हम लिखेंगे दैट इक्वल टू -1 का पावर r इंटू एन सी आर 6 cr इंटू पहला वाला टर्म 3/2 x² का पावर 6 r इंटू दूसरा वाला टर्म 1/3x का पावर r जो यहां पे है और यहां पे दिस वन इज दिस। ये हमने इसका इस सिचुएशन का जनरल टर्म लिख लिया। अब हमें कहता है कि इनको बस अब हम एक बार और अभी थोड़ा सा क्लियरली सॉल्व करके पहले रखेंगे, ये 6 cr इंटू ये 3/2 का पावर 6 r इंटू एक्स का पावर ये हो गया 12 - 2 r इंटू 1/3 का पावर r इंटू एक्स का पावर r, ठीक है। सो एक्स दोनों को हम एक साथ मर्जअप करेंगे उसके बाद देखेंगे, फिर इसे लिखेंगे -1 का पावर r 6 cr 3/2 का पावर 6 r इंटू 1/3 का पावर r इंटू 6 का पावर 12 - 2 r और ये -r मतलब -3 r 12 - 3 r। अब ये कहता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स मीन्स पावर ऑफ एक्स इज जीरो, एक्स का पावर जीरो यानी वन, तो वो नंबर बन गया तो इंडिपेंडेंट हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब हम इसको जीरो से इक्वेट करें। इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, यहां पे आप लिख सकते इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स मीन्स पावर ऑफ एक्स इज जीरो, यानी 12 - 3 r इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारा 3 r इक्वल टू 12, देयरफॉर r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 4, हेंस इट विल बी फिफ्थ टर्म। हेंस r अगर 4 हो गया तो ये r प्लस 1 करते हैं, तो हेंस इट विल बी फिफ्थ टर्म। अगर r 4 हो गया तो हम r प्लस 1 इज फिफ्थ टर्म। अब t5 को हम लोग कहेंगे ये ऑड टर्म है तो माइनस नहीं होगा, तो एन सी सबसे पहले हमारा हो गया, यहां पे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑड है। अब एन सी आर तो सिक्स
6C4 NCR इंटू 3/2 का पावर 6 माइनस 4 तो 2 हो गया और इंटू 1/3 का पावर 2 3 का पावर सॉरी R हमारा है R हमारा 4 3 का पावर 4 ठीक है। अब आप इजीली इसको कर लो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल और इंटू 3 का पावर 2 है ना 6 माइनस 4 तो ये हो गया 9 और 2 का पावर 2 हो गया 4 और इंटू 1/81 फिर यहां पे 6 इंटू 5 तो 30 हो गया ये 30 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अपॉन 2 30 अपॉन 2 क्योंकि 4 फैक्टोरियल कट गया और ये 9 जो कट गया तो इंटू 1/4 इंटू 1/9 अब ये हो गया 15 तो 15/36 राइट 3/2 6 माइनस 4 तो 2 3/2 का पावर 2 हाँ तो और ये हो गया 1/3 का पावर 4 1/3 का पावर 4 ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल हमने ये कर लिया यहाँ पे 12 माइनस 3 8 तो 3/2 का पावर 6 माइनस 4 तो ये हो गया 2 और 1/3 का पावर 4 तो हाँ 1/4 नहीं है हाँ ये फिर 3 कटेगा और ये फिर 5 राइट सो ये मैंने अभी 9 और इसको नहीं काटा था तो ये हो गया हमारा 5/12 और स्टूडेंट्स यही आंसर है 5/12 एग्जांपल 10 तो इंडिपेंडेंट टर्म भी कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच अब आज यहीं पे स्टॉप करते हैं ओके बाय टेक केयर।